कि राम राम नहीं सीता राम बोलिए ना, राम राम, जब सीते नहीं तो राम कहाँ से होगा। जब से कर्नाटक के रिजल्ट देखे भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के लोग बौखला गए, बौखला कर करके गलत सलत बयान देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत खूब गर्माई हुई है। लगातार बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। और इसी कड़ी में अब बिहार सरकार के एक मंत्री ने बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है और एक के बाद एक कई सारे सवाल भी दाग दिए हैं। बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री शिवचंद्र राम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर सवाल दाग दिए हैं। तो चलिए सुनाते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर इन्होंने क्या कुछ सवाल पूछ लिया है। सर, आगामी वर्ष लोकसभा चुनाव है, सर महागठबंधन की ओर से किस प्रकार की तैयारी शुरू की गई? देखिए, महागठबंधन तो लगातार 5 वर्षों से, जब से चुनाव समाप्त हुआ है तब से महागठबंधन लगातार दबे कुचले शोषित पीड़ित गरीब दुखिया के बीच में जा रहा है, मजदूरों के बीच में जा रहा है और जा करके और केंद्र में बैठी है सरकार है, इनके जो है कि वादा खिलाफी जो इन्होंने किया है, गरीबों को के साथ जो वादा खिलाफी की है उसके तमाम चीज के बारे में जो है, यह जो है कि महागठबंधन जो है और इस बार का जो चुनाव, जो 2024 का चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हम लोग जो है कि 40 चुनाव जीतने का काम करेगी, उसमें एक सीट ये भारतीय जनता पार्टी इसके गठबंधन को आने वाला नहीं है। सर, क्या महागठबंधन से पीएम पद के उम्मीदवार जो नीतीश कुमार जी बता रहे बिहार के मुख्यमंत्री, क्या महागठबंधन के नेता मान रहे हैं? देखिए, अभी तो हमारी पहल चल रही है पूरे देश में, सभी जगह घूम घूम कर कर करे और हमारा पहल चल रहा है सारे जगह। हम लोगों जो है अभी हर राज्य में घूम घूम कर करके सभी राज्य के लोगों से हमारी बातें हो रही है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी मिल मिल करके लोगों से बात कर रहे हैं और बात कर कर करके और ही कर, जब सभी जगह जब हो जाएगा, अरे हमको देश कैसे चलेगा, देश का कल्याण कैसे होगा, देश के उन गरीबों की बात को कौन सुनेगा, ये आ गए हैं नाटककार जो है। अभी देश के अभी प्रधानमंत्री जी क्या है, नाटक दिखा रहे हैं, सब्जवाग दिखा रहे हैं, लोगों को लुभावना लुभावना भाषण दे रहे हैं। भाषण नहीं चाहिए, आपने कहा था कि हर घर को रोजगार देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार इस देश में देने का काम करो, उसको तो पूरा करिए, काम करिए। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के लोगों ने जब से कर्नाटक के रिजल्ट देखे हैं उस समय के बाद से स्थिति भयानक बन गई है। ये लोग का नींद हराम है, ये लोग सही से सो नहीं पाते, और ख़ास करके श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी का पूरे देश के सभी प्रदेशों में जो दौरा जो चल रहा है और सभी लोगों का जो मान और सम्मान मिल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में इस सब चीज को देखकर भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के लोग बौखला गए, बौखला कर करके गलत सलत बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी हिंदू की बात करेंगे तो कभी मुसलमान की बात करेंगे, तो कभी आतंकवाद की बात करेंगे, तो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, तो कभी हिंदुस्तान की बात करेंगे, और ऐसे से देश की भला होने वाला नहीं है। देश के भला इन नोटबंदी से होने वाला नहीं है। एक बार इन्होंने नोटबंदी की, देखिए राम राम कर रहे हैं तो बिहार की धरती पर तो हम लोग भी तो बोल रहे थे कि राम राम नहीं सीता राम बोलिए ना, राम राम, जब सीते नहीं तो राम कहाँ से होगा। अब सीता राम बोलने में क्या जा रहा है आपको, और आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बना दीजिएगा आप? ये हिंदू राष्ट्र को बनाने का मतलब कि बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है, इस संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान को ख़त्म करने का काम करिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर रही है। आप जो, ये हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, जितना अधिकार हिंदू का है उतना अधिकार मुसलमानों का है, उतना ही अधिकार ईसाइयों का है, उतना ही अधिकार सिखों का है, उतना ही अधिकार गरीबों का है, उतना ही अधिकार अमीरों का है। यह देश तो धर्म निरपेक्ष देश है, सभी देश, इस देश में सभी धर्म के मानने वालों को एक अधिकार है,
इस देश को आप हिंदू राष्ट्र की बात कर करके लोगों को ठगने की बात आप कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि शिवचंद्र राम ने पूछा है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जब बिहार आए तो उन्होंने सनातन के नाम पर लोगों को बांटने की जो कोशिश की उससे जनता अनभिज्ञ नहीं है, इस पर बीजेपी का क्या सोचना है। इसी तरीके से कांग्रेस के जीतने पर भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कह दिया जिस तरीके से कांग्रेस जो है कर्नाटक में जीत गई है, इसके बाद से बीजेपी बौखलाई हुई है। और इसी तरीके के दो तीन सवाल और दागते उन्होंने ये कह दिया कि बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, चाहे कितनी भी कोशिश कर दे, जनता सब समझती है बीजेपी का अब कोई भी जो है एजेंडा है वो अब जनता को बरगलाना चाहेगा तो उससे जनता बरगलाएगी नहीं, आने वाले वक्त में बीजेपी को जवाब मिल जाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।